हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ छैना मुर्गी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बंगाल की स्पेशल स्वीट है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। छैना मुर्गी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम पनीर ले लिया है, इसे हम कट कर लेते हैं स्क्वेयर पीसेस में। इसके हम ज़्यादा छोटे पीस नहीं करेंगे। अब हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम पैन में 250 ग्राम चीनी डाल देंगे और इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसकी एक तार वाली चाशनी बनाएंगे। चाशनी अच्छे से पक गई हुई है। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार कि इसकी एक दार वाली चाशनी बनती है या नहीं। इसमें चिपचिपा बन आ रहा है, चाशनी रेडी है। अब हम इसमें थोड़ी सी इलायची डाल देंगे और इसमें पनीर के क्यूब्स भी डाल देंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक चाशनी जमने वाली कंसिस्टेंस पे ना आ जाए। इसके ऊपर काफी झाग आ गई हुई है, ये जमने वाली कंसिस्टेंस पे आने ही वाली है। इसे हमें थोड़ी देर और पकाना है। अब चाशनी पनीर में अच्छे से कोट हो गई है, गैस को हम बंद कर देते हैं। अब पैन को हम स्टैंड के ऊपर रख देंगे और इसमें हम 1 चम्मच गुलाब जल डाल देंगे। इसे हम लगातार चलाते हुए इसे जमने वाली कंसिस्टेंसी पर लेकर आएंगे। चाशनी को हम अच्छी तरह से पनीर के ऊपर कोट करते जाएंगे जब तक चाशनी अच्छे से जम ना जाए। चाशनी जमनी स्टार्ट हो गई है थोड़ी। चाशनी अच्छे से कोट हो गई है, सारी चीनी नीचे सूख की हुई है। अब इसके ऊपर हम सारे पीसेस निकाल लेते हैं। ऊपर हम सारे पीसेस निकाल लेंगे और नीचे चाशनी को हम इसमें रहने देंगे। चाशनी को हम किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे चाय बनाने में या स्वीट्स बनाने में किसी में भी यूज कर सकते हैं। बनकर एकदम तैयार है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा पिस्ता डालकर इसे गार्निश करेंगे। अभी मुर्गी छैना बनकर एकदम तैयार है। इसे मैंने पिस्ता और गुलाब की पंखुड़ियों से गार्निश कर दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।